आज ये मेरे मुल्क का मंजरनामा है। हम 76 साल से कश्मीर कश्मीर करते रह गए और दुनिया के दूसरे कंट्रीज इस्लामी कंट्रीज में बात कर रहा हूँ वो अपने रिलेशंस दिन ब दिन इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया, ये जो वीडियोज है ये जो क्लिप्स है वायरल हो रही है। और दूसरा हमारा मुल्क देख लें, 47 से अब तक के वज़ीरे आज़मों और सदूर की जो फहरिस्त है लिस्ट अगर आप निकाल के देख लें और मसाइल की दलदल की गहराई भी अगर आप नापने की कोशिश करें जिसमें आवाम बेचारे धसे हुए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता अबे। ममालक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलके चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं कोई क्यों नहीं बुला रहा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, 123 कंट्रीज है लेकिन पाकिस्तान वहाँ मौजूद नहीं है। ये किसी और काम में मसरूफ है ना पाकिस्तानी इसका जैसे, जैसा कि हमारा कौमी खेल ठरक। शाबाश बेटा, उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। हाँ भाई हाँ। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहाँ पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपको देखने वाली। हमें काफी जगह से बाइकआउट हमारा हमें निकाला हुआ है कि आप लोग ना ही आओ तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे भी आगे ना कोई मुद्दा ही नया खड़ा करना होता। हम आखिरी वक्त तक मनसब पर जमे रहते हैं, मनसब से चिपके रहते हैं। मैं कब हो गया ये? और मुखालिफिन के सीनों पर मूंग दलते रहते हैं। कब हुआ कब? मोदी जी ने पोलैंड और यूक्रेन जाने से पहले मलेशिया की गर्दन दबोची है और अपने नीचे ले लिए। ऐसे नहीं चले। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आज मलेशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है और आने वाले समय के अंदर ये संबंध और भी बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको याद हो 2019 के अंदर यही मलेशिया का पीएम तिकनी का नाच नचा रहा था हमारे देश को, हमारे देश के पीएम को। छोटा सा मुल्क होके भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पाकिस्तान के साथ मिलकर ढोल नगाड़े बजा रहा था। जहाँ एक तरफ तो अगर आपको बताओ तो 370 और 35A के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना मिलकर यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंच गए थे कि भाई मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, भ्रम फैलाने की कोशिश की, अफवाह फैलाने की कोशिश की। वहीं ये मलेशिया का राष्ट्रपति भी भारत की बुराइयां करने में लगा हुआ था। हालांकि मलेशिया ऐसी कंट्री है जहां पे भारत के खिलाफ कोई खास ज्यादा हेट नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में है। तो जश्न मनाया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो कल तक भारत को कश्मीर के ऊपर गरिया रहा था मलेशिया, आज वही मलेशिया भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र दोस्त बनकर खुश है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इन पाकिस्तानियों को, क्योंकि भारत और मलेशिया का ट्रेड ऑलरेडी $20 बिलियन के आसपास में है और भारत और मलेशिया ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर इसको दोगुना तक ले जाए। इतने रुपए की ट्रेड सुन के इन पाकिस्तानियों की जीभ लपलपाने लग गई है, क्योंकि वाकई में इतने पैसे भी होते हैं, क्योंकि इनके तो फॉरेन रिजर्व में $7 बिलियन पड़े हुए हैं, तो $40 बिलियन तो बहुत हो गए भाई। वाह भाई वाह। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने दिया कुछ मजेदार रिएक्शन, बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। रिपोर्टर साहिबा भिखारियों को कोई नहीं पूछता क्यों शाबाज शरीफ साहब? हमने रिवर्स गियर लगाना था फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स और आज भी हम बेगर्स हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर है, ना ये खाकी है ना ये नारी है, ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर। मैं कहां जाऊं? गाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं, कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा। अच्छा। कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई हाँ, क्या बड़ी छोड़ते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है, ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, अब तो दुनिया इन जंगों से निकला ही, अब लोग दुनिया कहती है हम ज्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अब तो इस चीज का रोप चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज से भी दुनिया आगे निकल चुकी है, रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेजों को देखो, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। सही बात, वो तो वहां तक पहुंच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नजरिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है।
और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो, अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है, ठीक है। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब है या नहीं है, ठीक है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है, लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है, इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं, डूबने से वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट के उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा? मलेशिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, ईरान बेहतर कर सकता है, इस्लामिक कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान बेहतर कर सकता है, सऊदी अरेबिया बेहतर कर सकता है, तो पाकिस्तान 76 साल से क्यों इस चीज पे अड़ा है कि भाई हम तो नहीं है। सर सिर्फ कुछ ताकतें हैं जो अपने फायदा हासिल कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, वो महदूद हैं अंदरूनी पाकिस्तान की। अच्छा, वो आप शायद वाहद हैं जो अंदरूनी कह रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर तो ये कहते हैं। नहीं नहीं, ये अंदरूनी घर का भेदी साथ रहा ना हो तो लंका नहीं ढाई जाती, ठीक है, ठीक है। ये पाकिस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें पनप रही हैं हमारे अंदर ही, ठीक है, जो इस सिस्टम को सही नहीं कर। अच्छा, आप अगर सिस्टम ठीक हो गया तो उनकी जगह गर्म हो नहीं। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ पे भी ये आपस में लड़ते हैं? बिल्कुल, आपके साथ भी वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे साथ मेरा हमारे कोलीग्स हैं इंडियंस, ठीक है, और उसके अलावा कस्टमर्स आते हैं हमारे, कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है, तो इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, तो दे आर ऑल गुड। जो है ना, अभी एक अंडर डेवलपमेंट है, ये अभी इतना डेवलप नहीं है। और दूसरी बात, हमारे मुल्क के कुछ अपने मसले नहीं खत्म होते, ये हमारे अपने जो रंजिशें हमारी अपनी खत्म नहीं होती, कभी हमारे सियासतदान लड़ रहे होते हैं, कभी हमारी आवाम आपस में लड़ रही होती है, लड़ने वाली कौम मशहूर हो गई, तो यही बात है कि मतलब इन्हीं वजह से ना एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता ग्लोबल पे, जिस वजह से ना ये हमें काफी जगह से बाइकआउट हमारा हमें निकाला हुआ है कि आप लोग ना ही आओ तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे भी आगे ना कोई मुद्दा ही नया खड़ा करना होता, तो नया मुद्दा खड़ा, ये बिग बॉस हाउस है। यही है बात कि मतलब अब देखिए ना, पाकिस्तान की एक इमेज ऐसी बन गई हुई है। हाँ, ये हम अब हम पे है कि हम अपनी इमेज को कैसे सही कर सकते हैं, हम पे। यस, तो ये देखिए ना कि हमारा जब मुल्क तरक्की करेगा, मुख्तलिफ हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेंगी, मुख्तलिफ चीजें होगी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगी ना, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और एक नाम भी आएगा, और उसकी वजह से फिर ये सारे रिकॉग्नाइज करेंगे हमें। कश्मीर का ही बात अगर कर लें, कुछ साल पहले तक की बात थी कि भाई हम कहते थे तुर्की हमारे साथ खड़ा, मलेशिया हमारे साथ खड़ा, सऊदीया हमारे साथ खड़ा। अब आज के दौर में अगर मैं फिर आगे मैं आपको मेन खबर बताता हूँ, लेकिन आज के दौर में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कश्मीर के मामले में कौन से कंट्री पाकिस्तान के साथ, देखें इस्लामिक कंट्रीज की, देखें पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आप दूसरे कंट्रीज को छोड़ दो। अच्छा, हम ये देखो क्या आप अपने साथ खड़े हो, खुद पाकिस्तान ही पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्या आप अपने साथ खड़े हो? नहीं, पाकिस्तान के साथ भी छोड़ दो, क्या आप अपने अपनी जात के साथ आप खड़े हुए हो? नहीं। अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज के रिलेशन तो बेहतर हो रहे हैं? जैसे भी मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के, उनका विजिट है और वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव भी किया है, हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है या इस्लामिक उनमें जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक है मलेशिया में, और रिसीव भी किया है बाकायदा तौर पर, डील भी हो रही है, प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, आने वाले टाइम में मजीद बात करेंगे। कभी टाइम था कि हम कहते थे मलेशिया हमारे साथ खड़ा है कश्मीर के मामले में, महातीर मोहम्मद की बात कर लें, हमारे तो इमरान खान साहब एग्जाम्पल देते थे कि भाई महातीर मोहम्मद एक रोल मॉडल। देखो बात पता क्या है, बात ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना वो बहुत चेंज हो रही है, ठीक है, ऐसे ही है, फोकस इसका जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ऐसे ही जितना भी आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, मतलब अमेरिका को अगर आप देख लो, अमेरिका के पास पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, अमेरिका इज नोन एज ए बोरोड इकोनॉमी बेसिकली, ठीक है, अगर फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर में बात करें तो इट इज दे आर नोन एज ए बोरोड इकोनॉमी, बट दे आर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन सारी दुनिया के इन्वेस्टमेंट उधर पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक हब है, कंज्यूमर मार्केट है सबसे बड़ी, ठीक है, इसी तरह जो जो कंज्यूमर मार्केट बड़ी होगी हर एक कंट्री उसका एक्सेस चाहेगा ना, वो बहुत आगे निकल गया। हाँ। इंडिया सारे उसने मुल्कों का इकट्ठे किया। हाँ। तो सारे मुल्क जो ना उस पर बिलीव करते, तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो ना वो समझते कि इस मुल्क के अंदर ही कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई आयन कानून नहीं है, यहाँ हुक्मरानी कौन कर रहा है कोई पता नहीं है, तो इसलिए जो ना दुनिया इनसे दूर हो रहा है। अब यूएई ने देखो, यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा ही बंद कर दिया,
ठीक है, अब तो 123 मुल्कों को इंडिया बुला रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुला रहा है। शायद यही वजह है कि हम उसको बोलते हैं कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, तो जब हम दुश्मन बोलेंगे तो फिर हमें क्यों बुलाएंगे, ये भी तो वजह है ना। मैडम पाकिस्तान के अंदर ये इनका खारजा पॉलिसी का इसमें जो है ना वो कमजोरी है कि वो इंडिया जो है ना अब इंडिया अब वो इस चक्कर से निकल गया है कि पाकिस्तान के साथ जंग करना, पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अपना कोई दुश्मनी करना या अपना दुश्मन समझना है, उसने अपने एक जेन बना लिया कि किस तरह इंडिया को आगे लेके जाना है। हाँ, इंडिया ने आगे जाने का जेन बना लिया और हम किधर फंसे हुए हैं। अब वो जो है ना इंडिया का जो इनकम है सिर्फ वो आईटी से 350 रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पर तो इन्होंने सोशल मीडिया बंद रखा हुआ है। हाँ, नेट ही नहीं चल रहा हमारा, तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, वो भी सोलो चल रहा है। ठीक है, ये इसलिए कि अपने मफादात के लिए कोई हमें जो है ना सोशल मीडिया पे कोई हम पे तनकीद ना हो, तो इसलिए ये नहीं सोच रहे, ये अपने आप को जो है ना आवाम से अपने आप को ये मुकदम समझ रहे, सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो तो दुनिया ने मिटाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है अब? बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो आप खबर आ रही कि ओमान ने भी वीजे बनना शुरू कर दिया। ठीक है, ओमान ने क्या कर दिया? वीजे पाकिस्तान के, ओमान भी वीजा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, हर जगह हमें वीजा नहीं मिल रहा, ओमान वीजा नहीं दे रहा, यूएई वीजा बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कोई जो ना ये चाइना में गए कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया, सऊदी अरब ने इनको 5 रुपए नहीं दिया। हाँ, ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना। हाँ, उन्हें वीजा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना है, बस आपकी मेहरबानी। क्यों? इस भाई की बात सुनने के बाद मैं फिजा खलीफा मैं तुम्हें जरूर ये बात बोलना चाहूंगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, हमारा मुल्क ये है, हमारे मुल्क में ये है, हमारे मुल्क में वो है, ये भाई तो तुम्हारे मुल्क की बैंड बजा रहा। हाय अल्लाह। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस बंदी ने अभी हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर गलत सलत आरोप लगा के वीडियो बनाया। खैर ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों से शिकायत ही क्या, लेकिन मेरे को थोड़ी सी शिकायत हमारे हिंदुस्तानी यूट्यूबर भाइयों से है। फिजा का वो वीडियो जिसमें वो इंडियन आर्मी को गाली दे रही है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बता रही है, उनको हत्यारा बता रही है, मासूम कश्मीरियों का, कुछ मामूर्ख यूट्यूबर वो वीडियो को उसको पिक कर रहे हैं और ऐसा का ऐसा इंडिया में चला रहे हैं और उसको कुछ काउंटर भी नहीं कर रहे। तो क्यों भाई, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी आर्मी को कोई खिलाफ कुछ भी बोले पाकिस्तानी और तुम सिर्फ अपने कुछ डॉलर कमाने के लिए उस वीडियो को ऐसे कैसे डाल दोगे? या तो काउंटर करो, उसको रिप्लाई करो, उसको फैक्ट बताओ, ताकि जो ऑडियंस उस वीडियो को देखे उनको पता तो चले कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा भरम में तो हमारी हिंदुस्तान की आवाम भी तो रहती है, तुम तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हो। तो मेरे भाई वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानियों को एक्सपोज करो, इनको नंगा करो, इनको इनकी हैसियत दिखाओ। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ये नहीं कि उनका प्रोपेगेंडा तुम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के हिंदुस्तान में चलाओ, समझ रहे हो आप बात को? जो नए नए सब्सक्राइबर आते हैं वो कहते हैं कि भाई यार थोड़ा कम बोल लिया करो, बीच में कम आया करो, लेकिन मुझे जहाँ जरूरत होती है मैं आता हूँ, इसलिए आता हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, उन लोगों को बता सकूँ जो लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो समझदार है ही, जो नहीं जानते उनके लिए बताना पड़ता है, समझ रहे हो आप बात को? तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हमारे हिंदुस्तान के अंदर मत फैलाओ बिना रिप्लाई किए। अब इनको रोकना होगा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों को रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।